चलिए दोस्तों, हम आपको अब दिखाते हैं रूमी दरवाज़ा। ये देखने में तो 3 मंजिला लग रहा है, लेकिन ये एक सिंगल दीवार पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उस पार और दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों इसकी खूबसूरती, ये कितना अच्छा अभी तक बना हुआ है। और ये एक एक गेट इसका बहुत ऊंचा है। नवाबों के शहर के नाम से मशहूर लखनऊ के चप्पे चप्पे पर नवाबी शान शौकत की छाप देखी जा सकती है। वैसे भी शहर का इतिहास बहुत पुराना है। रूमी दरवाज़ा राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। रूमी दरवाज़ा ये अपनी खूबसूरत बनावट के लिए मशहूर है। ये साल 1784 में रूमी दरवाज़ा बनना आरंभ हुआ था। ये इमारत 1786 में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनने में 2 साल का समय लगा था। ये दरवाज़ा 60 फीट से ऊँचा है। ये देखो दोस्तों, उस साइड से मैंने आपको दिखाया था, ये 3 मंजिल दिख रहा था आपको, और ये साइड से 1 मंजिल। इसकी खूबसूरती देखिए, अच्छा बना हुआ है ये। देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये आप देख रहे हो ऊपर, ये लॉन्ग टाइप का बना हुआ है, खूबसूरत बनी हुई है इमारत, और आज भी बरकरार है ये इमारत। सुना है दोस्तों, पुराने समय में इस दरवाजे के ऊपर लैंप रखे जाते थे, जो रात के अंधेरे में इस दरवाजे को रोशनी से जगमगा दिया करते थे। तो बस दोस्तों, यहाँ का इतना ही था। और हम आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको सतखंडा और क्लॉक टावर, घंटाघर। तो कैसा लग रहा था मुझे लग्जरी कार से घूमते हुए? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूड भी बन रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग रेगिस्तान में चल रहे हों, चारों तरफ गर्म हवाएं, और जो मूवीज़ में दिखाता है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में। रियलिटी में यही है, ई रिक्शा पे घूम रहे हैं हम लोग और चारों तरफ जो है गर्मी से मर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो हमने व्यू देखा उससे थोड़ा बहुत हम काफ़ी खुश हुए तो ज़्यादा खुशी मिली। हाँ, तो हम बड़ा इमामबाड़ा घूम चुके हैं, अभी हम चल रहे हैं छोटे इमामबाड़ा के साइड। गाइस, हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं। हाँ ज़रूर लीजिए, 5 बजे से पहले तक आप घूम लें। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं क्लॉक टावर, लखनऊ का घंटाघर। यह घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। इसकी ऊंचाई लगभग 221 फीट है। ये क्लॉक टावर कौन सा? ये कौन सा में बना अंकल जी? 1881 का। इसके लिखा हुआ है अंदर। अच्छा, इसी को देख के पूरा लखनऊ टाइम देखता था। इसी के अकॉर्डिंग सब लोग अपना गाड़ी सेट कर लेते। ये जो आप क्लॉक टावर के ऊपर चिड़िया देख रहे हैं, ये हवा को रुख बताती थी कि हवा किस दिशा में चल रही है। बिना किसी टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों के आज इतना सारी चीज़ें हैं, तो कोई चीज़ अच्छी बन नहीं पा रही है। उस टाइम इतने किस तरीके से बनाया गया। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों शाही तालाब। ये देखिए शाही तालाब, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये क्लॉक टावर के पास में ही है। शहर के लोगों के लिए लखनऊ में एक लोकप्रिय स्थान है। 180 साल पुराने जल निकाय के बीच एक आकर्षक संगीत फव्वारा लगाया गया है, जिसे पिक्चर गैलरी या फिर शाही तालाब कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये घंटाघर के ऊपर चिड़िया है, वो हवा का रुख बताती है। ये देखिए दोस्तों, ये हवा का रुख बताती है कि हवा किस दिशा में चल रही है। ये देखिए दोस्तों, ये आज भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये बीच में फव्वारा लगा हुआ था, शायद अब तो नहीं लगा हुआ है। ये अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बीच में शाही तालाब है, पीछे एक खूबसूरत इमारत बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आपको और पास से दिखाते हैं शाही तालाब को। देखिए दोस्तों एक बार, ये अभी तक कितना खूबसूरत बना हुआ है। इसमें कोई नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, और इसमें जो पानी भरा है वो इसे हरा कलर का इसे और आकर्षित करता है। बहुत ही सुंदर पैलेस दोस्तों। हमेशा आओ तो लखनऊ, जब भी कभी आओ तो यहाँ ज़रूर घूमने आना आप एक बार। और छोटा टाइम बार चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं। Oh,